नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर मानी जाएगी, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, कल से खुलेगा UPSC परिणाम पर शुरू होगा काम, कौन कौन से अधिकारी आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि UPPCS 2018 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, जैसा कि अखबार ने बताया है। चलिए, लेकिन एक बात मैं भी मानूंगा, जब इंटरव्यू करा सकते हैं तो ही रिजल्ट निकालेंगे, मेरा ये निजी मानना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान की पेड़ कक्षा शुरू हो गई थी, आपके बहुत सारे लाइक हैं वहाँ पे नीचे वाली वीडियोस पे जो फ्री में दी गई थी, मतलब 1000 व्यूज़ हैं, 1100 व्यूज़ पे अगर आप 200 लाइक पा रहे हैं तो मतलब दमदार क्लास ही रही होगी, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अब आधुनिक भारत के इतिहास से इतिहास भी शुरू हो गया है क्लास, उसकी भी मिलेंगी, 5-6 वीडियो फ्री हैं और पेड ग्रुप है, आप संपर्क कर सकते हैं 9997295322 पे। ट्रिक कैसी है आप देख लीजिएगा। अब एक गुलाम ने खलीफा का दिल जीता, अब अरबी सिक्के चलाने वाला पहला बादशाह, इक्तेदारी प्रथा शुरू करने वाला इल्तुतमिस ही था। गुलामों को गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिस को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिस। गुलाम चालीस का गठन करने वाला इल्तुतमिस। खलीफा से अनुमति प्राप्त करने वाला इल्तुतमिस। दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिस। तांबे का जीतल चलाया इल्तुतमिस। चांदी का टका चलाया इल्तुतमिस। तो सारे इल्तुतमिस से संबंधित प्रश्न आपको अगर पेपर में आ जाए तो गलत होने की कोई संभावना नहीं बनती है। अब हम बात करेंगे, इसे आप देख लीजिएगा और नंबर आपने नोट कर ही लिया 9997295322। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC का कार्यालय 20 अप्रैल से खुल जाएगा। इस दौरान अनुभाग अधिकारी और उससे सीनियर सभी अफसर कार्यालय आएंगे, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में 33 फीसदी कर्मियों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा। आयोग खुलने के बाद सबसे पहले लंबित परिणामों पर काम शुरू होगा। वर्तमान में PCS 2018 की मुख्य परीक्षा और सहायक अभियोजन अधिकारी APO की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ है। इसके अलावा कई अन्य लिखित एवं सीधी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम अभी आना बाकी है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही आयोग में छुट्टी घोषित कर दी गई थी और परीक्षा एवं परिणाम संबंधी सभी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे। अब सोमवार से कार्यालय खुलने जा रहा है, ऐसे में आयोग के खुलने के बाद सबसे पहले लंबित परीक्षा परिणामों को लेकर काम शुरू हो जाएगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि अनुभाग अधिकारी से लेकर सभी अफसर कार्यालय में आएंगे, वहीं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 33-33 फीसदी कर्मचारियों को कार्यालय पर आना होगा। अब ये खबर है आज की, तो अगले 4-5 दिन में बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि रिजल्ट अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं। जो लोग UPPCS 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन 2019 मेंस मेरा भी है, यहाँ से आपको अगर दिख जाए, पिछली वीडियो मैंने लेखपाल की दे दी है, लेखपाल के जो भी पद आने वाले हैं ये वाली वीडियो दे दी है, आप इसे देख लीजिएगा। और मेरा बस इतना ही कहना है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, करंट की ट्रिक बिल्कुल मिलेंगी, यूपी बिल्कुल फ्री मिलेगा, UPGK ट्रिक और करंट की ट्रिक, इस ये दो नंबर हैं 9997295322, 7417444554। हैव ए नाइस डे, बाय।